होगा तो मुझे पता था, मतलब इधर पे रहता है ना वो, यहाँ पे पैडलॉक की या ग्लास फ्यूज़ रहता है अधिकतर। तो अभी चलते हैं यार फटाफट से, मतलब कि यार कोई ज़िंदा तो नहीं है अभी भाई, पंगल नहीं लेते बिल्कुल भी, फटाफट से इनको एक दफ़ा और हेलो सुला दो। एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस दोबारा से खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। अब ये लास्ट वाले एपिसोड में आप लोग को पता होगा कि लास्ट टाइम हमने किया था डोर एस्केप और फिर किया था बोट एस्केप। मतलब यार हम बाय रोड चले गए, बाय वाटर चले गए, बट हमारा रहता है बाय एयर जाना। तो यार आज हम दादा दादी का हेलीकॉप्टर चुरा के भागने वाले हैं बाय एयर, यानी करने वाले हैं हेलीकॉप्टर एस्केप। और आप लोगों को अगर ग्रैनी चैप्टर 2 डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जल्दी से जाओ देखो और डाउनलोड कर लो। और यार ग्रैनी चैप्टर 2 का ये लास्ट एपिसोड है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, मतलब कि यार नीचे से तो कुछ भी लेना वे देना बेकार है बिल्कुल। तो अभी ऊपर चलते हैं, मतलब कि यार दिमाग ख़राब कर देगा दादा। यार यहाँ पे स्टन गन पड़ी गया, ओ वाह यार स्टन गन। यार जल्दी यार पीछे से ग्रहणी ना आ रही हो बस अभी, वो आली आली आली। चल दादी पहले तू ही जा, खिसक खिसक डांस दिखा चल चल। अभी यार ये ग्रैंडपा ना दिमाग ख़राब करेगा, मतलब कि 1 घंटा लगा देगा। तो अभी यार क्या करना सही है मेरे ख्याल से, यार अभी यहाँ पे से प्लैंक्स तोड़ो। मतलब यार ये दादा है ना, ये बावड़ा है एक किस्म से पूरा, मतलब कि यार ये बिल्कुल बाद में आके ना परेशान करने वाला है। अभी मतलब हम थोड़ा वेट करते हैं और जब ग्रैनी दोबारा से ज़िंदा होगी तो दोनों को साथ में मार देंगे। तब तक यार ये पीस ऑफ पिक्चर है जो, इसको मैं दूसरी तरफ में डाल देता हूँ, क्योंकि यार जब ग्रैनी इधर पे लेट जाती है तो फिर यार ये पैरों पे चिपक के मतलब बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ये देखो दादा बावड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ, जब से ढूंढ रहे थे तब से तो आया नहीं गया। अब अभी अगर मैंने इसको मार दिया तो फिर यार दादी जिंदा हो जाएगी, मतलब कि यार इनको मारने में ये 1 घंटा निकल जाएगा। ओ माय गॉड, इसने तो देख ही लिया, मतलब इसके भी कान निकल आए क्या। तो कोई बात नहीं, दादी जिंदा हो चुकी है तो ये ले दादी एक किस्म से फटका खा तू फटका। तो अभी चलते हैं यार उसको रिवाइव देने, मतलब वो आएगा, मतलब पबजी वाला रिवाइव नहीं, वैसे देखने आता है मतलब कि यहाँ पे भाई कौन उछल कूद कर रहा ज़्यादा। तो अभी यार 1 घंटे से पहले आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो दादा जल्दी आ जाओ, आ लिया आ लिया आ लिया। वो बुढ़े इधर देख, हाँ चल खिसक। अब जा चल फटाफट से, मेरे को अपनी चाबी दे, गले में लटकाए फिर रहा। हाँ अब यार फ्री फंड में मेहनत की, मतलब गेट तो खुला ही हुआ है, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं होगा, बोट की इसका क्या करूँ मैं वैसे भी। तो यार अभी इस पीस ऑफ पिक्चर को फेंक देते हैं अंदर की तरफ में, और एक पीस ऑफ पिक्चर इधर पे पड़ा हुआ तो इसको भी उठा लेते हैं और फेंकते हैं। तो मतलब कि यार इसने झंझटिया आदमी है बिल्कुल एक किस्म से। तो अभी हम सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद इसको चुपके से मतलब गेट बंद करके ऊपर पहुंचा देंगे, उस काम में इतना टाइम नहीं लगता, रेंच उठा लेता हूँ तब तक मैं, मतलब इनके पेंच कसने भी तो ज़रूरी हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँ क्या करूँ, इधर पे देखता हूँ, कभी कभी ग्लास फ्यूज़ होता है तो ग्लास फ्यूज़ ही होगा। तो मुझे पता था, मतलब इधर पे रहता है ना वो, यहाँ पे पैडलॉक की या ग्लास फ्यूज़ रहता है अधिकतर। तो अभी चलते हैं यार फटाफट से, मतलब कि यार कोई ज़िंदा तो नहीं है अभी भाई, पंगल नहीं लेते बिल्कुल भी, फटाफट से इनको एक दफ़ा और सुला देते हैं। 2-3 काम में ही ना, मतलब ये लिखा आता है सिर्फ 2 मिनट, पता भी नहीं लगता इनकी 2 मिनट कब पूरी हो जाती है। बट इसका एक सीक्रेट है, जब ये दोनों ज़िंदा हो जाते हैं और वो फ़ोटो गिरी हुई हो ना, तो वो जब वापस लग जाती है तो मतलब समझ जाना कि दोनों ज़िंदा हो चुके हैं। अगर सिर्फ ग्रैनी या सिर्फ ग्रैंडपा ज़िंदा हो गए तो वो फ़ोटो नहीं वापस से लगेगी। जैसा आपको पता होगा कि ग्रैनी चैप्टर 1 था जो, उसमें डॉल जो वो ऊपर वाले कमरे में थी, उसको जब हम गिराते थे तो वो कई बार वापस से खड़ी हो जाती थी, या कुर्सी वगैरह भी।
तो वही सेम सीन है। अबे ये बुड्ढा कहाँ जा रहा, वो इधर पे आ बे घोंचू, ओ भाई यार ये धप्पा ना करके मार दे, मतलब इसके आने का वेट करता हूँ। तो आएगा या फटाफट एकदम, ओ भाई ये क्या रॉकेट बन गया, मतलब देख के ही क्या कर लिया है, कर क्या लिया तूने, आ गए हैं करंट खा के फिर से सो गया है, नींद की गोली है बेटा मेरे पास, सुला दूंगा अच्छे अच्छों को। तो यहाँ पे रेंच है, चलो इसे उठाते हैं, क्योंकि यार वो एलियन भी कुछ ना कुछ घपल के बैठा होगा, मतलब कि यार ग्रैनी चैप्टर 2 में ये जो एलियन है ये भी नहीं छोड़ता। तो कूदते हैं यहाँ से, और अभी यहाँ पे क्या है, स्पार्क प्लग चीज, वो पीस ऑफ पिक्चर पहले इसे लगाओ यार, मतलब एक काम तो पूरा हो। तो यहाँ पे कभी कभी पियानो में पैडलॉक की पड़ी होती है, बट यार अभी उस सब का टाइम नहीं है, पैडलॉक की का हमें कुछ नहीं करना। तो अभी फटाफट से इसको फेंको और चलते हैं, कोई है तो नहीं, तो रेंच वगैरह तो वहीं पे है, बट यार इनका ना डर रहता है मेरे को, मतलब कभी भी जिंदा हो अगर धपक देते हैं यार, तो थोड़ा बहुत खुराफात ही रहता है दिमाग में। तो अभी आ जाओ दादी, तो भाई आ गई, देखा मेरे को पता था दादी जिंदा होगी होगी। ये फटाफट, ओ भाई मेरी एमो कहाँ पे है, मेरी एमो ही खपा के भाग गई बुड्ढी यार। अब मैं दादा ना आ जा रिवाइवल दे देनी से, ओ भाई आ लिया आ लिया आ लिया, बस शुक्र है अंदर नहीं आया भाई। इसको ना दूसरी तरफ से मारना सही रहेगा, मतलब कि यार इधर से अगर मैं इसको मारूँ तो यार शॉट मिस होते ही, यार ये स्टन गन की एमो ना बहुत दूर पे जाके टपकती है। अब यार ये बुड्ढा पता नहीं कहाँ है, मतलब जल्दी आ जाना। वो बुड्ढे वो आ गया भाई, किस्मत बढ़िया, आ जा चल चल खिसक खिसक। अब ना मैं भाई एमो लेता हूँ, मतलब और क्या करूँ यार, सबसे पहले इसको यहीं फेंकते हैं, और यार अभी और चेक वेक कर लेता हूँ, मतलब मैं तो नीचे ही चलते हैं अभी, क्या पता कुछ सामान मैं छोड़ रहा हूँ। तो रेंच यहीं पे है, पहले उसका वो पानी निकालना पड़ेगा ना यार, सही है, तो रेंच यहीं पे है तो अभी काम हो जाएगा। कई बार आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे भी एक पीस ऑफ पिक्चर पड़ा रहता है, मतलब कि यार ढूंढना, यहाँ पे कौन सोचेगा कि पिक्चर का पीस यहाँ पे फेंकेंगे भाई। कई बार क्या होता है, वो एलियन जो है उधर की साइड पे भी होता है, मतलब कि पिक्चर के पीस के लिए भी रेंच की ज़रूरत पड़ती है कई बार, और रेंच ओवन में हमेशा होता है, मतलब हमेशा तो नहीं बट अधिकतर होता है। तो हेलीकॉप्टर का मैनुअल भी हमने ले लिया है, और यार ये मैनुअल, ओ भाई दादी दादी भगलो 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 यार, ये मैनुअल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसको ना लें और सारा सामान लगा के हेलीकॉप्टर उड़ाएं तो भाई वो क्रैश हो जाता है, मतलब कि ये जो बंदा खेल रहा है भाई, हम मतलब इसको आता नहीं ना हेलीकॉप्टर उड़ाना, तो यार ये ठोक के वापस से आग लगा देगा उसमें। तो कभी ट्राई करना आप लोग, मेरा साथ ऐसा हुआ था, मतलब मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और यार फिर हेलीकॉप्टर उड़ाने चला, और भाई धत तेरी की वापस नीचे, मतलब कि यार खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, सिर्फ मैनुअल की कमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसका होने का यही पता है, मतलब ऊपर ये हेलीकॉप्टर का सिंबल रहता है, तो क्रोबार लाओ, इधर पे ही था मेरे को पता था। बस मिल गया इसलिए पता था, वैसे पता नहीं था। तो गैसोलीन का डब्बा, चलो भाई आ जा 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 जा, तो नाइस। अभी चलते हैं अपना क्रोबार लेने, ओ भाई मैंने तो इसमें डब्बे में फेंका था, यहाँ पे कहाँ सो रहा तू, कोई नहीं नीचे चलते हैं एक बारी, नीचे वाला डब्बा देखते हैं शायद वहाँ पे हो, तो चलते हैं यार वहाँ पे, वैसे प्लायर्स ना हो बस, क्योंकि अभी तक हमने प्लायर्स नहीं देखे। इधर पे डक टेप है क्या, नहीं है, या तो डक टेप इसमें होगी या फिर भाई होगी यहाँ पे बोट वाले जहाँ पे वो हैरियर है, तो यहीं पे चल के देखते हैं। इसमें तो प्लायर्स पड़े हुए हैं गंदे से, अरे अरे प्लायर्स, तो ये रहा, मतलब कि यार दादा दादी अब जिंदा ना हो जाए, मतलब कि यार यहाँ पे अगर वो आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ग्रैंडपा तो आएगा नहीं, बट यार वो ग्रैनी है ना सफ़ेद वाली बुड्ढी, वो मतलब एकदम आ जाएगी, मतलब उसका कान खड़क जाते हैं बिल्कुल धांसू। तो अभी इसको ना मैं इधर की तरफ में ही फेंक देता हूँ, क्योंकि यार ये जब लेट जाते हैं तो यार सामान उठाना भारी पड़ जाता है, ऐसा मेरे साथ डोर एस्केप में डोर हैंडल के साथ हुआ था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ये तुम्हारा भाई सीख रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टन गन ले ली, अभी देखो यहाँ पे ये फोटो है ना ये जुड़ जाती है, मतलब जब वो जिंदा हो जाते हैं देखो ऐसे। तो चलो, ओ भाई मारने की कोशिश कर रही थी, मतलब मेरे को देख लिया था उसने, मतलब कि यार वैसे तो कहते हैं लोग कि यार ये ग्रैनी जो है अंधी है, इसको दिखाई नहीं देता, बट यार ये जब मैं इसको पीछे से दिखा तो फिर अवन में से, मतलब ये एकदम से क्यों आई, शायद अवन की आवाज़ सुन के आई होगी खुलने की, बट तू कहाँ है बे, चल इधर आ,
गंजा, कितनी बार ठोक दिया मैंने तेरे को अब तक, पता भी गिना भी है क्या? एक आध बार गिन तो लेता मूर्ख। चलो कोई बात नहीं यार, अभी हमें स्टन गन लेके जाना है उस केकड़े के पास, और यार चाहिए हमें स्टन गन। और यार अभी बस हमें ना क्या करना है कि स्टन गन लेके उस केकड़े को उड़ाना है। मतलब कि यार ये बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं, तो बढ़िया है भाई तुझे बुलाना नहीं पड़ा। तो भाई मेरी ये दे एमओ, तू बहुत गपलू आदमी है, एमओ खा जाता है यार बड़ी। तो हेलीकॉप्टर की मिल गई तो बढ़िया है काफ़ी ज़्यादा। यार ये हेलीकॉप्टर की मुझे कुछ कुछ अजीब सी लग रही दिखने में, ये तो मेरे को चाबी लग रही, जैसे चाबी वाली गुड़िया होती है ना, उस टाइप की चाबी लग रही। तो अभी फ़ोटो गिरी हुई है, इसका मतलब है भाई कि ये अभी तक ज़िंदा नहीं हुए। तो शॉर्टकट मारते हैं बिल्कुल सिंपल सा, इतना लंबा घूम फिर के नहीं जाते हैं, यहाँ से सीधा कल्टी मार के सीधा यहीं से अपना ये ले लेते हैं और फिर चलते हैं। एक बार ही दादा दादी को और सुला दूँ या फिर रहने दूँ, अगर जाग गए होंगे तो सुला दूँगा, अगर बाकी नहीं जागे होंगे तो फिर मैं सीधा ऊपर सामान भरने चला जाऊँगा। वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि यार अभी मार के आया था एकदम, तो ऐसा नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल तो मरे हुए हैं, तो यार मैं शॉर्टकट लेके चाहता नहीं, क्योंकि यार रास्ते अभी मैं बिल्कुल ऐसे यूज़ करने वाला जहाँ पे दादा दादी कहीं नहीं जाने वाले। तो वैसे अभी तक तो वो ज़िंदा हुए भी नहीं होंगे, और वो भी गए होंगे तो वो यार गया, अभी अपने पास 4 डे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको फेंको, मतलब कि पूरे 4 डे बच रखे, अभी डे 1 में ही क्रॉस हो जाए। अब यार ये उठा लिया जबकि, तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे सारा सामान लगा दिया है एकदम बारी बारी। तो अभी हम ग्लास फ्यूज़ को ना इधर पे फेंकते हैं, क्योंकि यार ये लुढ़कता हुआ अगर नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी सीढ़ी से। तो कोई बात नहीं, अभी हम एक एक करके ना भाई सारे फ़ोटो जोड़ते हैं, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको सजाना पड़ेगा। तो अभी ऐसे ही भाई हमें सारे फ़ोटो जोड़ने हैं, तो चलो चलते हैं। तो देखो भाई अभी हमने सारे फ़ोटो जोड़ दिए हैं, मतलब कि यार अभी हमें चलना है आगे। और यार कहाँ पे है मेरी स्टन गन अभी बताता हूँ मैं, ये सामने वाला डोर है ना, जब तक हम इसके फ़ोटो नहीं जोड़ेंगे तब तक भाई खुलेगा नहीं, तो यार इसमें ये प्रॉब्लम है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे अनलिमिटेड एमओ मिलती हैं शॉर्ट गन की, तो यार अभी हमें ना इनको ठोकना है। तो एक करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, मतलब कि अभी हमने सारे खोल दिए, मतलब तो ये गेट हमारा ओपन हो गया। अभी यार यहाँ से हमें क्या करना है, इसको फेंक के दिखाता हूँ मैं आपको, गिर के नहीं दिखा सकता यार, यहाँ पे अगर ग्लास फ्यूज़ ना लगाए तो हम नीचे टपक जाएंगे। सामान तो गिरा नहीं, बट पता नहीं क्यों हम गिर जाते हैं, शायद वज़न के ऊपर बात होगी या क्या चीज़ है। तो ये रेड है, अब ये ग्रीन हो गया। तो यार अभी भाई हमको भाई फटाफट से जाके ये प्लैंक हटाना है, और यार यहाँ पे पड़े होंगे वो सामान जो हमने आगे की तरफ में फेंके थे। तो ये वाला डोर जो है वो ये वाला है, और यार यहाँ पे से अभी हमें चाहिए, मतलब कि यार ये फ्यूल फुल कर देते हैं, तो फ्यूल इसमें पीछे की तरफ में डलता है, तो इसको डाल देते हैं फटाफट। तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है अभी सीन, तो इसको फेंको। और यार अब हम बाय एयर जाएंगे, मतलब कि यार हेलीकॉप्टर चलाने में कितना मज़ा आएगा बचपन में ही सोचो, वो भी बिना लाइसेंस के, भाई ठोक ना दूँ मैं बस। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये पंखड़ी भाई प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर है भाई, टेप से चिपक गया, कोई बात नहीं, वैसे पूरी टेप लगाई, इतने में तो चिपक जाना चाहिए। डक्ट का मतलब नहीं समझ आया, डक्ट टेप कुछ अलग होती है। खैर चलो, तो फाइनली भाई अभी हम जा रहे हैं दादा दादी के घर से, और यार भाई मतलब पूरा मज़ेदार हो गया। अब यार ये अगले साल उड़ेगा क्या? उठ 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 बेटा उठ। तो यार अभी ये दादा दादी, तो भाई तुम ऊपर कैसे आए? चलो आ गए तो देख ही लो, तुम्हारा भाई जा रहा है, बाय तो बाय करने आएंगे। अच्छा ठीक है, बाय बाय, दी एंड। तो चलो यार, ये थी आज की हेलीकॉप्टर एस्केप। तो यार कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वैसे बनाने में तो मज़े ही आएगा, मतलब कि यार हेलीकॉप्टर एस्केप भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, और ग्रैनी ग्रैंडपा को सबसे ज़्यादा ठोकना पड़ा इसमें, बट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो यार, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।